हेलो एवरीवन, आज हम लोग अपना नेक्स्ट सेशन कर रहे हैं नंबर सीरीज़ का। ठीक है, चलो देखिएगा। हाँ, आज ये सेशन मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। मतलब मैंने मैक्सिमम टाइप्स आपको बता दिए हैं। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट टाइप्स आती हैं एग्ज़ाम में, वो मैंने सारी एक्सप्लेन समझो आज के टॉपिक में मैं कर दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा आज मैं। उसके बाद मैं एक प्रैक्टिस सेशन भी लेके आऊँगा, अगर आप लोग चाहते हो तो। ठीक है, तो एक प्रैक्टिस सेशन मैं लेके आऊँगा, उसके अंदर कोशिश करेंगे करीबन 50 क्वेश्चनों की और मैं प्रैक्टिस करवा दूँ आप लोगों को। ठीक है, बट जो टाइप्स हैं ऑलमोस्ट मैंने बता दी कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में भी। ठीक है, आज की वीडियो में वो मैं सब कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो आप कमेंट में बता दीजिएगा प्रैक्टिस आप खुद से करना चाहोगे या वो भी मैं करवाऊँ। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है 8, 27, 125, 343, 1331। रोंग सीरीज वाला है भी, इनमें से कौन सा रोंग है ये? ठीक है, तो भाई इसमें से तो मुझे कोई भी रोंग नहीं दिख रहा। क्यों? देखो, 8 2 का क्यूब है 27। आपने भाई क्यूब आई थिंक याद कर लिए होंगे, मैंने एक वीडियो भी बनाया था क्यूब्स को लेके। ठीक है, शायद आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। ठीक है, तो 8 2 का क्यूब है 27 3 का क्यूब है। ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, ये 5 का। ध्यान से सुनना, ये 2 का 3 का 5 का, ये 7 का, ये 11 का। यहाँ से क्या चीज़ समझ में आती है? देखो, 2 दे दिया 3 दे दिया, बट उसने 4 का क्यूब क्यों नहीं दिया बीच में? सोचो, क्योंकि 2 3 5 7 11, ये सारे नंबर अभाज्य संख्याएं हैं। ये सारी संख्याएं कैसी हैं भाई? अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर हैं ये सारे के सारे। इसीलिए तो 8, 27, 125, 343, 1331। आपको ये नहीं सोचना है कि बीच में से 4 कहाँ गया, 6 कहाँ गया, 8 कहाँ गया, 9 कहाँ गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो सीरीज दे रखी है ये अभाज्य नंबर, प्राइम नंबर जो होते हैं उनका क्यूब दे रखा है। तो 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, 27 उससे बड़ा, 125 उससे बड़ा, फिर आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, चलिए फिर समझ में आ गया होगा ये वाला पहला। ठीक है, तो मैं लिख भी देता हूँ कुछ प्राइम नंबर्स, लिख लीजिए एक बार। प्राइम नंबर जो होते हैं ना, 2 3 5 7 11 13। ठीक है, 11 13 17 19 23 29, भी ये सारे के सारे प्राइम नंबर होते हैं। नंबर सिस्टम का मैं वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, जहाँ से आपको ईच एंड एवरी डाउट क्लियर हो जाएगा नंबर से रिगार्डिंग भाई। ठीक है, नंबर सिस्टम से रिगार्डिंग एक भी क्वेश्चन, एक भी डाउट नहीं रहेगा आपका। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट है 3 8 15 3 8 15 24 34 48 और 63। देखो, 3 3 का मतलब है यहाँ पे 2 का स्क्वेयर माइनस 1। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगी बात। 2 का स्क्वेयर माइनस 1, 2 का स्क्वेयर कितना होता है? 4, 4 में से गया 3। बात समझ में आ रही है? चलिए फिर देखते हैं 8 को। 8 क्या है? 8 है भाई सॉरी 3 का स्क्वेयर माइनस 1। देखो, अगर स्क्वेयर अच्छे से याद है तो पकड़ सकते हो, 3 का स्क्वेयर 9, 9 में से 1 गया 8। 15 देखते ही बता सकते हो, 4 का स्क्वेयर माइनस 1। 24 5 का स्क्वेयर माइनस 1। उसके बाद 34 लिखा है, तो 6 का स्क्वेयर माइनस 1। 6 का स्क्वेयर कितना होता है? 36, 36 में से 1 गया 35। इसका मतलब ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। बस यही पूछा था कि इनमें से कौन गलत है, तो यही गलत है। हाँ, पहले वाले क्वेश्चन भाई बिल्कुल करेक्ट था, पहले वाला क्वेश्चन, इसमें कोई भी गलती नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे कोई भी गलती नहीं थी। ठीक है, क्लियर। सेकंड वाले क्वेश्चन में ये 34 गलत है, यहाँ पे 35 आना चाहिए था। बस यही आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 7 8, थर्ड क्वेश्चन पे 7 8 1857 228 1165। और भाई देखो कितना स्पीड से आगे जा रहा है, कितना स्पीड से आगे जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखो क्या इसके अंदर फिट कर रखा है इन्होंने, गुना का कोई ना कोई कॉन्सेप्ट जरूर मिलेगा। यहाँ पे देखो, 7 का 8 बना है, तो कैसे बन सकता है 7 का 8? या तो एक जोड़ दो या फिर 1 से गुना करके 1 जोड़ दो। 7 को 1 से गुना करके 1 जोड़ दो तो कितना बना? 8 बना।
अब 8 से 18 कैसे बना? 8 से 18 बना जी, 8 दूनी 16 और जमा में 2 18, दुगना करके 2 जोड़ दो। ठीक है, पहले 1 से गुना 1 जोड़ा, 2 से गुना 2 जोड़ा। अब आगे 18 है, 18 को गुना करोगे कितने से? 3 से। जोड़ोगे भी कितना? 3। 18 तिया 54, 54 और 3 कितने होते हैं? 57। मतलब ये भी ठीक है भाई, 57 भी ठीक है। अब 57 से आगे बढ़ते हैं, 57 से आगे बढ़ोगे तो 57 गुना में 3 के बाद 4 पे आ गए, 4 जमा 4, 57 चौके कितना बनेगा भी? 228 और 4 232 बनना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ है भाई। 57 को 4 से गुना करोगे, 7 चौके 28, 20 और 2 22, 228 आना चाहिए था, जमा में 4, मतलब 228 दे रखा है, जमा में 4 भी करना था, 332 उत्तर आता, इसलिए गड़बड़ है। ठीक है, 228 क्वेश्चन में गड़बड़ है, ये बस यही पूछा था उसने। आगे बढ़ते हैं फिर, आगे दे रखा है 701, 348, 173, 85, 41, 19 और 8। एक चीज़ देखो यहाँ पे, 8 का दुगना करो जरा मुझे, 8 का दुगना करो, 8 का दुगना कितना होता है भाई? 16। देखो ध्यान से, 8 दूनी 16, 16 में 3 जोड़ दिया उसने, बात समझ में आ रही? 8 दूनी 16, 16 में 3 जोड़ा 19। अब आगे करिएगा, 19 दूनी 38, 38 में 3 जोड़ोगे 41। सही है, आगे करते हैं, 41 दूनी 82, 82 में 3 जोड़ोगे 85, ये भी सही है। 85 दूनी 170, 170 में 3 जोड़ोगे 173, ये भी सही है। 173 दूनी, भाई वो कर लेते हैं, 173 दूनी 340, 340, 340 में 3 जोड़ोगे 347 आना चाहिए था भाई, ये गड़बड़ है मामला यहाँ पे। 173 को 2 से गुना करोगे 346, 346 में 3 जोड़ोगे, 3 दूनी 6, 17 दूनी 34, 346, 346 में 3 जोड़ोगे भाई 349 आना चाहिए था, 349 आ कितना आ रहा है? 348, बस यही गड़बड़ है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं फिर। अगला क्वेश्चन है 225, 289, 338, 374, 397, 415 और 424। ठीक है, यहाँ देखो भाई जरा, देखो इंक्रीमेंट यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं है, एक बार घटा के देखो यहाँ पे, जोड़ घटा वाला कॉन्सेप्ट लगा के देखो यहाँ पे, जोड़ घटा वाला भी ध्यान से देखो, 225 और 289 में कितने का डिफरेंस है? 9 में से 5 गए भाई 4, और 8 में से 2 गए 6, 64 आ रहा है, कितना आ रहा है? 64। आगे घटाओ भी जरा एक बार, 338 में से 289 घटा दो भाई, 49 आ रहा है, कितना आ रहा है? 49। मुझे एक चीज़ समझ में आ गई, ये 8 का स्केयर है 64, ये 7 का स्केयर है, इसका मतलब आगे 36 आएगा, देखो करके एक बार घटा के, क्योंकि 6 का स्केयर आएगा ना उसके बाद 36। ठीक है, तो घटाओ जरा, 14 में से 8 गए 6, बिल्कुल 36 आ रहा है, 338 और 374 आपस में घटाओगे 36, सही है यहाँ तक, 36, 36 के बाद 5 का स्केयर 25 होना चाहिए, 397 और 374 घटाओगे जरा, कितना बचा? 3 और 2 23, यहाँ गड़बड़ है भाई, यहाँ गड़बड़ है। ठीक है, यहाँ गड़बड़ है, 397 नहीं आएगा, ये गड़बड़ कर रखी है। ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ है, चलिए तो आराम से बना सकते हो इस क्वेश्चन को भी आप लोग, बड़े आगे भाई 374 तक तो हमने चेक कर लिया था ना, बिल्कुल सही जा रहा था वो। ठीक है, तो उसे आगे गड़बड़ कर दी उसने 397 में, 397 क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 61 25 52। देखो बड़े प्यार से दिख रहा है, 16 का उल्टा 61, 25 का उल्टा 52, 36 का उल्टा 63, तो 49 का उल्टा क्या बनेगा 94, 49 का उल्टा क्या बनेगा 94, बस वही क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है 2 15 41 80, 2 15 41 80 भाई। ठीक है, चलिए 2 15 41 80, 2 से 15 जोड़ के देख लो भाई कितना जोड़ रहा है? 13, क्योंकि और तो कुछ लग ही नहीं रहा है,
दो से सीधा 15 चला गया, या तो 2 8 16, 16 में से एक घटा दो, या फिर 2 7 14, 14 में एक जोड़ दो। बट आगे देखो 15 2 30, मतलब बैठ नहीं रहा है कैसे भी, जोड़ घटा करके देखो, 2 से 15 13 का जोड़ आ रहा है, 15 से 41 26 का जोड़ आ रहा है, 41 से 80 39 का जोड़ आ रहा है, मतलब 13 का पहाड़ा चल रहा है, 13 1 13 13 2 26 13 3 39 13 4 52 52 जोड़ दो, 132 उत्तर आ जाएगा, 132 क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी, 3 15 4 16 5 17। देखो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ पैटर्न नहीं दिख रहा तुम्हें, 3 15 4 16। देखो एक चीज़ समझो यहाँ पे, देखो जब भी इतनी बड़ी सीरीज दिखाई दे ना, तो कहीं ना कहीं भाई उसके अंदर दो सीरीज मिक्स होती हैं। देखो देखो 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, बन गई बात। ऐसे 15 और 1 16, 16 और 1 17, 17 और 1 18, यहाँ 18 आना चाहिए था भाई, आंसर आ गया ये क्वेश्चन का। ठीक है फिर आज इतना पढ़ते हैं, लगभग मैंने जो जो इम्पोर्टेंट सीरीज बनती हैं, और लगभग मैंने ऐसी सीरीज बताई हैं जिनमें अलग अलग मेथड लगता है लगभग पे, ठीक है। तो हाँ, एक लास्ट क्लास में एक शायद मैंने क्वेश्चन पूछा था भाई, क्या था क्वेश्चन, वो 1 3 कुछ ऐसे करके क्वेश्चन था भाई, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है। हाँ मुझे देखो याद आ रहा है, कुछ कुछ क्वेश्चन क्या पूछा था, मैं आंसर कर देता हूँ उस क्वेश्चन का। देखो कुछ ऐसे था शायद क्वेश्चन में, वो 1 2 मतलब 12 के बाद उसने शायद 2 23 लिख रखा था, 23 के बाद उसने भाई 35 लिख रखा होगा, 35 के बाद उसने लिख रखा था भाई शायद 47, 47 के बाद उसने लिख रखा था भाई तुम्हारा 511, कुछ ऐसा क्वेश्चन था भाई, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट मैं पैटर्न बता देता हूँ क्या पैटर्न था वहाँ पे। देखो वहाँ पे ये पैटर्न चल रहा था, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, और उसमें 2-2 सीरीज थी ऐसे भी, 2 से 3 प्राइम नंबर ले लिए, 2 से 3 पहले 2 होता है प्राइम नंबर, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर 11 एक प्राइम नंबर होता है, तो शायद उसके बाद का बताना था तुम्हें, तो 5 के बाद कौन आता है 6, 11 से अगला प्राइम नंबर कौन सा होता है 13 भाई, तो आप ऐसे भी बना सकते हो, शायद कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था, देख लीजिएगा आप लोग, वो बन जाएगा आप लोगों से। ठीक है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, क्या आप लोग खुद से प्रैक्टिस करोगे, या फिर मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस के भी लेके आऊँ आप लोगों के लिए। ठीक है चलिए फिर इतना करते हैं आज की क्लास में, थैंक यू।